अक्सर लोग सोचते हैं कि वे 24 घंटे में जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ही ज्यादा रिजल्ट पाएंगे, लेकिन उनका सोचना बिल्कुल गलत है। ज्यादा काम कभी ज्यादा रिजल्ट नहीं देता। तो अब सवाल उठता है कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब है 80-20 रूल। इसे आप परेटो प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अमेजिंग प्रिंसिपल को विल्फ्रेडो परेटो नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। इस प्रिंसिपल को समझना बहुत ही आसान है, हो सकता है कि आप इसका यूज भी करते हो। इसे कोई भी पर्सन कुछ इस तरह से समझ सकता है। इस नियम के अकॉर्डिंग आपके 80% रिजल्ट आपके 20% लिए गए एक्शन से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट की 80% मार्क्स उसके 20% के सिलेबस की वजह से आते हैं। यह प्रिंसिपल उल्टा भी काम करता है, क्योंकि यह भी सच है कि आपके 80% एक्शन आपको 20% ही रिजल्ट देते हैं। मैथमेटिकली हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, मोर एक्शन नॉट इक्वल टू मोर रिजल्ट, 80% एक्शन इक्वल टू 20% रिजल्ट एंड 20% एक्शन इक्वल टू 80% रिजल्ट। अब जानते हैं कि क्या पारेटो प्रिंसिपल लाइफ के सभी फील्ड में काम करता है। तो इसका जवाब है हाँ, यह प्रिंसिपल लाइफ के सभी एस्पेक्ट में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड की 80% वेल्थ केवल 20% लोगों के ही पास है। आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम तक पहनते हैं, जबकि 80% कपड़े आप 20% टाइम तक ही पहनते हैं। आपके फोन में जितने भी व्हाट्सएप नंबर है उसमें से आप सिर्फ 20% नंबर पे ही मैसेज करते हैं, या वे 20% नंबर से ही आपके फोन पे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। किसी दुकान की 20% प्रोडक्ट 80% टाइम तक सेल होती है। अपना एक काम कीजिए, आप अपनी लाइफ की किसी भी फील्ड में इस प्रिंसिपल का यूज करके देख लीजिए। आपको यह जल्दी पता लग जाएगा कि आपकी 20% एक्शन ही आपको 80% रिजल्ट दिलाते हैं। और यह जरूरी नहीं कि आपका 80% एक्शन ही आपको 20% रिजल्ट देगा। हो सकता है कि आपकी 95% रिजल्ट आपके सिर्फ 5% के कामों से आती हो। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि 80-20 की जगह पर यह नंबर 90-10 या 70-30 भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। 80-20 प्रिंसिपल का यूज कैसे करें, आइए इसे भी जानते हैं। इसका यूज करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले आप एक पेन और डायरी लीजिए और आप दिन भर में क्या करते हैं और किस टाइम करते हैं इसके बारे में एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। यह लिस्ट आप एक हफ्ते तक बनाइए। बस इतना करने के बाद जब आप उस लिस्ट को देखोगे तो यकीन मानिए कि आप सरप्राइज्ड रह जाएंगे, क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि वो 20% काम कौन से हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। फिर इसके बाद आपको उस 20% एक्शन को सर्च कर करके बढ़ाते जाना है जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल रहे हैं। जो एक्शन आपके टाइम को वेस्ट करते हैं उनको करना छोड़ दें, सिर्फ वही काम करें जो आपके टाइम को यूजफुल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप 80-20 प्रिंसिपल का यूज करके आपको उन 20% सिलेबस को सिलेक्ट करके पढ़ना चाहिए जो आपको 80% मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि किसी भी बुक्स की 80% नॉलेज उसके 20% सिलेबस में ही होती है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो की 80% कंटेंट आपको 20% टाइम में ही दे दिया गया है। अब पारेटो प्रिंसिपल की तरफ से एक वार्निंग है। पारेटो प्रिंसिपल आपसे कभी यह नहीं कहता कि आप कम काम करना स्टार्ट कर दें, बल्कि यह रूल तो यह कहता है कि हमें सिर्फ उन एक्शन को नहीं करना चाहिए जो हमारा 80% टाइम वेस्ट करता है। सो आई होप कि आपने पारेटो प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अब देर किस बात की, आज ही से, हो सके तो अभी से इस पारेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ढेर सारी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ओजनेक्स्ट ट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।